हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स, और ये इंग्लिश सेक्शन में ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और सभी बैंकिंग, एसएससी और दूसरे सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हाईली इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं, देखते हैं फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, या ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही सिंपल है। फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं, देखिए ये एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, She avoids playing during exam time. ठीक है, एक example sentence है और इसके through जब आप समझेंगे finite verbs और non-finite verbs को तो बहुत ही आसानी से आपको ये concept समझ में आएगा कि non-finite verbs क्या होती हैं और finite verbs क्या होती हैं। She avoids playing during exam time. ठीक है, वह exam time के दौरान पढ़ना जो है वो avoid करती है, खेलना जो है वो avoid करती है। Second sentence देखते हैं, They avoid playing during exam time. ये भी सेम सेंटेंस है कि वो अवॉइड करते हैं प्लेइंग को एग्जाम टाइम के दौरान, और ही अवॉइडेड प्लेइंग ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। ये पास्ट में है और ये दोनों टेंस प्रेजेंट में है। यहाँ पर हमने अवॉइड्स का यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, यहाँ पर हमने अवॉइड रखा है क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या एस लगाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर एस लगा है, लेकिन इसमें एस नहीं लगा है क्योंकि सब्जेक्ट जो है ये प्लूरल है और ये पास्ट टेंस है, तो इसलिए यहाँ पर हमने अवॉइडेड यूज़ किया है। तो इसमें दो वर्ब का हमने यूज़ किया है, एक अवॉइड और एक प्लेइंग। यहाँ पर भी अवॉइड और प्लेइंग, यहाँ पर भी अवॉइडेड और प्लेइंग। ठीक है, दो वर्ब का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। कुछ वर्ब्स के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है और कुछ वर्ब्स के बाद 2+V1 का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, चूँकि अवॉइड के बाद आईएनजी फॉर्म का प्रयोग ही होता है तो इसलिए यहाँ पर हमने प्लेइंग वर्ब का प्रयोग किया है। अब इन दोनों वर्ब्स में अंतर क्या है? दोनों वर्ब में यदि आप ध्यान से देखें तो देखिए इसकी जो फॉर्म है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। ठीक है, यहाँ पर शी अवॉइड्स है, यहाँ पर दे अवॉइड है, यहाँ पर ही अवॉइडेड है, यानी इन वर्ब्स की जो पोजिशन है वो सब्जेक्ट डिफाइन कर रहा है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इनकी जो फॉर्म है वो चेंज हो रही है। ठीक है, और टेंस के अकॉर्डिंग भी चेंज हो रही है, नंबर के अकॉर्डिंग भी चेंज हो रही है। चूंकि यहाँ पर प्लूरल नंबर है तो इस टेंस में हमने एस नहीं लगाया। तो जिन वर्ब्स की फॉर्म सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग और नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होती है उसको हम बोलते हैं फाइनाइट। फाइनाइट का अर्थ होता है कि वो लिमिटेड है या सब्जेक्ट से अफेक्टेड है। ठीक है, अब देखिए ये वाली वर्ब्स भी देखिए, इनकी फॉर्म्स तीनों ही सेंटेंसेस में सेम है तो इनको हम बोलेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये जो है ये टेंस से, सब्जेक्ट से या नंबर से अफेक्टेड नहीं है। तो अवॉइड जो है इसमें फाइनाइट वर्ब है और प्लेइंग जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इसका कॉन्सेप्ट जो है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का ये समझ में आया होगा। अब ये दूसरा एग्जाम्पल भी मैंने दिया है, शी लाइक्स टू प्ले, दे लाइक टू प्ले एंड ही लाइक्ड टू प्ले। ठीक है, इसमें देखिए टू प्ले, टू प्ले, टू प्ले, मतलब इसकी फॉर्म चेंज नहीं हो रही, तीनों ही सेंटेंसेस में टू प्ले है। यहाँ पर लाइक्स है, लाइक है और लाइक्ड है। यहाँ पर ये नंबर के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग सारी वर्ब्स जो हैं, लाइक जो वर्ब्स है ये अलग अलग फॉर्म में आ रही है। तो लाइक जो है यहाँ पर फाइनाइट है और टू प्ले जो है ये नॉन फाइनाइट है, इसको हम टू इन्फिनेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो एग्जाम्पल्स हैं, एक ये तीन एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं और तीन एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए, इनकी मदद से आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है जिसकी फॉर्म चेंज नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम यहाँ से पढ़ के इसको देखते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म्स डू नॉट शो टेंस, पर्सन एंड नंबर। नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म जो होती हैं उन पर टेंस का, पर्सन का और नंबर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वो सेम रहती हैं। टिपिकली दे आर इन्फिनिटिव फॉर्म्स विद एंड विदाउट टू, टू गो, गो, आईएनजी फॉर्म्स एंड ईडी फॉर्म्स जो होती हैं ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल सेंटेंस, ही टिप टोड राउंड द हाउस सो एज नॉट टू वेक एनीवन। यदि इस सेंटेंस को आप प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे तो टिपटोड जो वर्ब है इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर टू वेक जो है इसकी फॉर्म चेंज नहीं होगी, तो इसलिए टिपटोड जो है ये फाइनाइट है और टू वेक जो है यहाँ पर ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत तीन मेन कैटेगरी हैं। एक हम पढ़ते हैं इन्फिनिटिव, एक हम पढ़ते हैं पार्टिसिपल और एक हम पढ़ते हैं जेरेंट।
तो इन्फिनेटिव इस वीडियो क्लास में हम इन्फिनेटिव की स्टडी करेंगे, पार्टिसिपल और जेरेंड को हम दूसरे वीडियो क्लासेस में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो क्लासेस में देखेंगे पार्ट टू और पार्ट थ्री में, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए और आपको ज़्यादा बोरिंग फील ना हो। तो इसमें हम इन्फिनेटिव से संबंधित जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो रूल्स हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे। अ वर्ब विच इज़ नॉट लिमिटेड बाय पर्सन एंड नंबर ऑफ इट्स सब्जेक्ट इज कॉल्ड द वर्ब इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव। ठीक है, इन्फिनेटिव का मतलब होता है 2+V1 जो वर्ब की फॉर्म होती है, 2+V1 मतलब जिसमें 2 लगा रहता है और उसके बाद V1 लगा रहता है, तो उसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव। ठीक है, और कभी कभी केवल V1 का प्रयोग करते हैं, उसमें हम 2 नहीं लगाते, तो उसको हम बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। एक होता है इन्फिनेटिव और एक होता है बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है, तो V1 के बाद 2 आ भी सकता है और 2 नहीं भी आ सकता। यदि 2 नहीं आता है कुछ पर्टिकुलर केसेस में, तो उसको हम बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। अब देखिए, इन्फिनेटिव जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंपल इन्फिनेटिव और एक क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव। सिंपल इन्फिनेटिव कौन सा होता है? व्हेन द इन्फिनेटिव इज यूज्ड लाइक ए नाउन। जब इन्फिनेटिव को हम नाउन की तरह यूज करते हैं, जहाँ जहाँ पर नाउन का प्रयोग होता है, जैसे सब्जेक्ट के स्थान पर या ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ठीक है, वहाँ पर यदि आप 2+V1 लगाते हैं तो वो नाउन माना जाएगा और उसको हम सिंपल इन्फिनेटिव बोलेंगे। ठीक है, तो इसको अभी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव क्या होता है? व्हेन द इन्फिनेटिव इज यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन। क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव जब होता है, जब इन्फिनेटिव नाउन को, एडजेक्टिव को, वर्ब को या किसी सेंटेंस को क्वालिफाई करता है या मॉडिफाई करता है उसको। ठीक है, तो इसको आप अच्छे तरीके से समझिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सिंपल इन्फिनेटिव वो होता है जब इन्फिनेटिव जो होता है वो केवल नाउन की तरह यूज होता है, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर या ऑब्जेक्ट के स्थान पर जब यूज होता है तो उसको हम बोलते हैं सिंपल इन्फिनेटिव। क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव मतलब वो क्वालिफाई करता है नाउन को, एडजेक्टिव को, वर्ब को या सेंटेंस को। तो यहां पर ये जो एक्सप्लेनेशन है इसको हम समझेंगे एग्जांपल्स के थ्रू। सिंपल इन्फिनेटिव की डेफिनेशन यहां पर दी हुई है, व्हेन द इन्फिनेटिव इज यूज्ड लाइक अ नाउन दैट इज कॉल्ड सिंपल इन्फिनेटिव। और क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव को हम जेरेंडियल इन्फिनेटिव भी बोलते हैं, जब वो क्वालिफाई करता है नाउन को, एडजेक्टिव को, वर्ब को या सेंटेंस को। तो यहां पर हम पढ़ेंगे सिंपल इन्फिनेटिव। देखिए, ये सिंपल इन्फिनेटिव को किस तरीके से हम यूज करते हैं, एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। जैसे ये इज है यहां पर, तो इससे पहले यहां पर क्या आएगा? सब्जेक्ट ही तो आएगा, जैसे राम इज ए गुड स्टूडेंट। तो इससे पहले जो यहां पर ये जो पोजीशन है ये सब्जेक्ट की है, ठीक है, और सब्जेक्ट के पहले हमने 2+V1 यहां पर रखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जो इन्फिनेटिव है ये सब्जेक्ट या नाउन की तरह यूज हो रहा है और इसको हम बोलेंगे सिंपल इन्फिनेटिव। टू नेम जो है ये सिंपल इन्फिनेटिव जो है। यहां पर देखिए, आई हैव डिसाइडेड, ठीक है, आई हैव डिसाइडेड व्हाट, ठीक है, तो व्हाट का जो आंसर होगा वो नाउन ही तो होगा, इसलिए आई हैव डिसाइडेड के बाद जो 2+V1 जो लिखा हुआ है यहां पर, ये है ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, यहां पर ये है सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। ठीक है, इज का ये सब्जेक्ट है, ये नाउन है, ठीक है, यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, तो ये दोनों ही केसेस में ये सिंपल इन्फिनेटिव यो एग्जांपल है। यहां पर देखिए, एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है इज एम आर और वॉज वर्ब के बाद जो वर्ड्स आते हैं उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, उनको हम ऑब्जेक्ट नहीं बोलते, उनको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें भी एक बेसिक डिफरेंस है कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट एक सेंटेंस को कंप्लीट करता है, ऑब्जेक्ट जो है वो आपका किस चीज के ऊपर काम हो रहा है, एक्शन जो हो रहा है वो किस चीज के ऊपर हो रहा है, वो होता है ऑब्जेक्ट। तो इसको मैं अलग से वीडियो क्लास में आपको और थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट को आप ये समझ सकते हैं कि इज एम आर और वॉज वर्ब के बाद जो वर्ड आते हैं, जो सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर ये टू डांस जो है एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब ये यूज हो रहा है। ठीक है, तो नाउन की जो पोजीशन है जहां जहां पर 2+V1 आएगा वो होगा आपका सिंपल इन्फिनेटिव। जैसे ये है, यहां पर आप देख सकते हैं एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन। ठीक है, यहां पर अबाउट जो है ये प्रपोजिशन है और 2+V1 जो है या प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। ठीक है, तो इन 5 तरीके से सिंपल इन्फिनेटिव आपका यूज हो सकता है। एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखिए यहां पर क्या है, शी हर्ड हर, उसने उसको कुछ कहते हुए सुना, उसने उसको कुछ कहते हुए सुना। तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट जो है
अगर मैं बोलूँ आपसे कि शी हर्ड हर, उसने उसको सुना, लेकिन ये सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट नहीं है, उसने उसको क्या कहते हुए क्या करते हुए सुना, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको वीप की मदद से कंप्लीट किया गया है, तो इसलिए वीप जो होगा ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो इन पांच तरीके से आप सिंपल इन्फिनिटिव को यूज कर सकते हैं। ये है क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव। क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव में हम क्या करते हैं, व्हेन द इन्फिनिटिव इज यूज टू क्वालिफाई अ नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और सेंटेंस। ठीक है, जब क्वालिफाई करने का काम करता है इन्फिनिटिव तो उसको हम बोलते हैं क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव। यहां पर देखिए, ही स्लेप्ट टू रिफ्रेश हिमसेल्फ, वह सोया, लेकिन वह क्यों सोया, कैसे सोया, कब सोया, ये हम बता रहे हैं रिफ्रेश की मदद से। ही स्लेप्ट, वह सोया किस लिए, अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए, मतलब वर्ब को हम क्वालिफाई कर रहे हैं टू प्लस वी वन से। तो ये है आपका क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर हम एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहे हैं, टी इज इजी, इजी जो है एडजेक्टिव है, और इजी के बाद हम लगा रहे हैं टू प्रिपेयर, टी इज इजी टू प्रिपेयर। सो टू प्लस वी वन जो है यहां पर एडजेक्टिव इजी को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, यहां पर देखिए, ही हैज ए पॉइंट टू मेक, यहां पर पॉइंट नाउन है और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है टू मेक। ठीक है, तो ये है आपका, ये सारे हैं क्वालिफाइंग एडजेक्टिव। टू क्वालिफाई अ सेंटेंस, आई हेट हर स्माइल, और आई हेट हर स्माइल से पहले लगा हुआ है टू बी वेरी फ्रैंक, तो टू बी वेरी फ्रैंक जो है ये क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव है। तो क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव को इन चार तरीकों से आप यूज़ कर सकते हैं, और सिंपल इन्फिनिटिव को इन पांच तरीकों से आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ रूल्स हम पढ़ते हैं, द इन्फिनिटिव इज़ यूज्ड विदाउट टू आफ्टर वर्ब्स लाइक, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन वर्ब्स के बाद हम बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। कौन कौन सी वर्ब्स हैं ये, हेल्प है, वॉच है, बेड है, डेयर है, हियर है, लेट है, मेक है, नीड नॉट है एंड सी है। देखिए इसमें थोड़ा सा मैं करेक्शन आपको कर देता हूं कि हेल्प के बाद टू प्लस वी वन भी आ सकता है और वी वन भी आ सकता है, मतलब हेल्प के बाद टू लगाना ऑप्शनल है। ठीक है, हेल्प के बाद ये जरूरी नहीं है कि हमेशा बेयर इन्फिनिटिव भी प्रयोग हो, हेल्प के बाद जो टू है वो ऑप्शनल है और दोनों ही केसेस में वो सही माना जाएगा। जैसे आई हेल्प हिम टू स्टडी और आई हेल्प हिम स्टडी, दोनों ही तरीके से आप इन सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। हाँ, वॉच के बाद बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा, आई वॉच हिम गो, आई बिड हिम गो। ठीक है, तो इनके बाद बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग ही होगा। डेयर और इनके बाद भी, डेयर के बाद भी बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, इसको डेयर को और नीड को, इनको हम मॉडल जो वर्ब होती हैं उसमें हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन नीड नॉट जो होता है इसके बाद तो बेयर इन्फिनिटिव का ही प्रयोग होता है, हियर है, लेट है और सी है। तो इनके कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस हम देखते हैं, आई बिड हिम टू क्विट द कंपनी, बिड का मतलब होता है, बिड के कई मीनिंग होते हैं एक्चुअली, बिट का मतलब ऑर्डर देना भी होता है, आज्ञा देना भी होता है, बिट का मतलब बोली लगाना भी होता है, तो यहां पर इसका मतलब है आज्ञा देना, आई बिड हिम टू क्विट द कंपनी, तो यहां पर होगा आई बिड हिम क्विट द कंपनी। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेंटेंस आपका हो जाएगा। और यहां पर देखिए, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट अस, नीड नॉट जो है ये मॉडल वर्ब की तरह यूज़ होती है, जैसे कैन होता है, वुड होता है। ठीक है, तो इसलिए इसके बाद हम टू का प्रयोग नहीं करते, जैसे कैन के बाद या वुड के बाद हम टू का प्रयोग नहीं करते, उसी तरीके से नीड नॉट के बाद भी हम टू का प्रयोग नहीं करते। लेकिन इसमें थोड़ा सा करेक्शन मैं कर देता हूँ आपको, यदि नीड का प्रयोग फुल वर्ब की तरह हो, नीड का प्रयोग और डेयर का प्रयोग, तो इसके बाद हम टू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, You do not need worry about us. ये need है, ये need not नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, need not के बाद हम verb में to नहीं लगाते, लेकिन यहाँ पर ये केवल need है। ठीक है, और ये verb की तरह use हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर हम इसको main verb की तरह इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हम बोलेंगे You do not need to worry about us. ये need not नहीं है, ये केवल need है। ठीक है, तो और चूंकि ये निगेटिव सेंटेंस है इसलिए इसमें हमने डू नॉट का प्रयोग किया है, तो इसलिए इसमें हमें टू यहां पर लगाना होगा। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, ये क्रॉस का साइन लगा है, और ये सेंटेंस करेक्ट है।
अब देखिए यहां पर ये जो वर्ब हैं, ये सारी वर्ब आप देख सकते हैं, यहां पर काफी सारी वर्ब हैं, इसके बाद केबल और केबल टू प्लस वी वन का ही प्रयोग होगा। दूसरी वर्ब का प्रयोग यदि आप करते हैं तो वो आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा। जैसे अग्री है, अग्री मतलब राजी होना, तो अग्री के बाद यहां पर इस सेंटेंस में देखिए फॉर हेल्पिंग लगा है, यहां पर प्रपोजिशन लगा दिया। अग्री के बाद क्या आएगा? अग्री के बाद प्रपोजिशन नहीं आएगा, अग्री के बाद आएगा टू, और टू के बाद वी वन आएगा। ठीक है, तो नीचे वाला जो सेंटेंस है वो करेक्ट है और ऊपर वाला सेंटेंस जो है वो इनकरेक्ट है। प्रपोजिशन जो होते हैं बट और एक्सेप्ट, इसके बाद हम बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। बट और एक्सेप्ट जो प्रपोजिशंस हैं इनके बाद हम बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं, टू इसके बाद नहीं आएगा। जैसे यहां पर देखिए देयर इज नो ऑल्टरनेटिव बट टू हेल्प हिम आउट, कोई हमारे पास ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम उसकी मदद करें, उसको उसकी हेल्प करें। तो देयर इज नो ऑल्टरनेटिव बट हेल्प हिम आउट, यहां पर टू नहीं आएगा, बट के बाद टू हेल्प नहीं आएगा, बट के बाद केबल और केबल हेल्प आएगा। बट और एक्सेप्ट के बाद हम बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। एक ये जो रूल है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वुड रादर, वुड सूनर, रादर देन, सूनर देन एंड हैड बेटर, इनके बाद हम हमेशा बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। इसको आप याद कैसे करेंगे? देखिए वुड जो होता है उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, जैसे कैन कुड के बाद हम टू प्लस वी वन नहीं लगाएंगे। जैसे मैं बोलूँगा ही कैन गो, आई कैन गो, ही कैन टू गो नहीं बोलूँगा। उसी तरीके से वुड और शुड जो होते हैं इनके बाद भी हम वी वन का प्रयोग करते हैं, टू इसमें हम नहीं लगाते। तो इस तरीके से वुड रादर को आप याद रख सकते हैं, वुड रादर हुआ। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा। वुड सूनर, रादर देन, सूनर देन और हैड बेटर, इन पांच एक्सप्रेशंस को आप याद रख लें, इसके बाद हम बेयर इन्फिनिटिव का ही प्रयोग करते हैं। वुड रादर से हम प्रेफरेंस दिखाते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा बल्कि मैं तो ऐसा करूंगा। ठीक है, तो वुड रादर से हम प्रेफरेंस दिखाते हैं, वुड सूनर से हम थोड़ा जल्दी दिखाते हैं कोई काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा, रादर देन से हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, सूनर देन, ये सारे मैं अभी आपको बता देता हूँ। हैड बेटर का प्रयोग होता है कि अच्छा होगा यदि ऐसा आप करें। तो हैड बेटर जो है इसको हम प्रेजेंट टेंस में प्रयोग करते हैं, ये पास्ट टेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आई वुड रादर टू गो फॉर बैटिंग, मतलब मैं फील्डिंग की अपेक्षा या और किसी चीज़ की अपेक्षा मैं बैटिंग करना प्रेफर करूँगा, प्रेफरेंस के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं, आई वुड रादर टू गो फॉर बैटिंग। अब इसमें वुड रादर जो है इसके आगे यहाँ पर टू लगा दिया है जो कि गलत है, आई वुड रादर गो फॉर बैटिंग, ये नीचे वाला जो सेंटेंस है ये सही है। ठीक है, तो वुड रादर जो है वो प्रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं हम, कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ से ज़्यादा प्रेफरेंस होना, इस तरीके से वुड रादर को हम प्रयोग करते हैं। तो वुड रादर, वुड सूनर, रादर देन, सूनर देन एंड हैड बेटर, इनके बाद हम बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, ही डिड नथिंग बट कर्स हिज फेट। ठीक है, ही डिड नथिंग बट कर्स हिज फेट, इस सेंटेंस में बट के बाद हमने ईडी फॉर्म लगा दिया है, लेकिन बट के बाद हम फर्स्ट फॉर्म हमें लगाना है, यहां पर बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है बट के बाद। ही डिड नथिंग बट कर्स हिज फेट, ये सेंटेंस काफी इंपॉर्टेंट ये सेंटेंस है। ठीक है, अब एक ये सेंटेंस देखिए, वॉट इज वॉन्टेड आर बैट्स दैट कैन स्कोर रन्स। ये सेंटेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा सेंटेंस है कि वॉट इज वॉन्टेड आर बैट्स दैट कैन स्कोर रन्स। इसमें रियल सब्जेक्ट क्या है? इसमें रियल सब्जेक्ट है वॉट इज वॉन्टेड, आपको क्या चाहिए, और आपको जो चाहिए वो सिंगुलर है। ठीक है, वॉट इज वॉन्टेड जो है वो अपने आप में सिंगुलर है कि आपको क्या चाहिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, तो आपको क्या चाहिए का जो आइडिया है वो अपने आप में सिंगुलर है, What is wanted is singular। ठीक है, bats इसका subject नहीं है, इसका subject जो है वो what is wanted है, इसलिए are यहां पर नहीं आएगा, यहां पर आएगा is। ये बहुत ही important sentence है, तो इसको आप समझें। और यहां पर हम fall और fail का concept समझेंगे। fall का अर्थ होता है गिरना, और fail अपने आप में एक verb है जिसका अर्थ होता है गिराना। fall एक verb है जिसका अर्थ होता है गिरना, fail एक verb है जिसका अर्थ होता है गिराना। फॉल की जो सेकंड फॉर्म है वो फेल है, और थर्ड फॉर्म जो है वो फॉलन है। फेल
मतलब गिराना, और इसकी सेकेंड फॉर्म है फेल्ड और फेल्ड। मैंने पेड़ गिराया, यदि आप ऐसे बोलते हैं तो आप बोलेंगे आई फेल्ड द ट्री, ठीक है। और पेड़ गिर गया, इसको आप बोलेंगे द ट्री फेल, ठीक है। तो इन दोनों में अच्छे तरीके से आप अंतर समझ लें। इनकी तीनों फॉर्में यहाँ पर लिखी हुई हैं, इनका हिंदी में मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये सेंटेंस देखिए, लीव्स फेल्ड इंसेसेंटली लास्ट ऑटम। लास्ट ऑटम मतलब पिछला जो पतझड़ का जो मौसम आया था, इंसेसेंटली मतलब लगातार, जो पत्तियाँ थीं वो लगातार गिरती गईं। लेकिन जो पत्तियाँ जब पतझड़ में गिरती हैं तो वो अपने आप गिरती हैं, कोई उनको गिराता नहीं है। तो इसलिए फेल्ड का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर प्रयोग होगा फेल का, ठीक है। तो ऊपर वाला सेंटेंस गलत है, नीचे वाला सेंटेंस सही है। इसी तरीके से हम यहाँ पर एक सेंटेंस और देखते हैं, ही वुड बेटर प्ले देन स्टडिंग, ठीक है। वुड के बाद इसमें बेटर के बाद जब प्ले आया है तो देन के बाद स्टडी आएगा, क्योंकि देन जो कंपेयर करता है वो सेम पार्ट ऑफ स्पीच को कंपेयर करता है, ठीक है। देन के बाद स्टडिंग नहीं आएगा, देन के बाद इसमें स्टडी आएगा। अब देखिए ये सेंटेंस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नॉट ए मैन वॉज हर्ट नॉट ए थिंग डैमेज। ये सेंटेंस ऑलरेडी करेक्ट है। ऑलरेडी करेक्ट क्यों है? नॉट ए मैन वॉज हर्ट, ना तो किसी व्यक्ति को हर्ट किया गया ना ही किसी चीज़ को डैमेज किया गया, ये दोनों ही पार्ट पैसिव वॉइस में है, ठीक है। और वॉज जो है, नॉट ए मैन वॉज हर्ट नॉट ए थिंग डैमेज, वॉज जो है ये हर्ट पर भी अप्लाई हो सकती है, और वॉज जो है ये डैमेज पर भी अप्लाई हो सकती है, क्योंकि डैमेज से पहले भी वॉज आएगा और हर्ट से पहले भी वॉज आएगा। तो कंपाउंड सेंटेंसेस में इस तरह का कॉमन फैक्टर हम ले सकते हैं, ये सही माना जाता है। यदि कॉमन फैक्टर आप नहीं ले सकते तो सेंटेंस फिर अलग अलग आपको वर्ब लगानी पड़ेंगी, हर्ट से पहले कुछ और लगाना पड़ेगा, डैमेज से पहले कुछ और हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी पड़ेगी। लेकिन चूंकि यहाँ पर दोनों ही सेंटेंस पैसिव वॉइस में हैं और दोनों ही सेंटेंसेस में वॉज ही आएगा, इसलिए वॉज को हम कॉमन फैक्टर की तरह ले सकते हैं, ये सेंटेंस आपका सही है। तो इस तरह के सेंटेंस अभी और मैं आपको करवाऊंगा। एक ये हैंग का कॉन्सेप्ट है, हैंग में जब ईडी लगता है तो उसका मतलब होता है फांसी पर लटकाना, और हैंग में जब हंग और हंग हम बोलते हैं तो उसका मतलब होता है कपड़े टांगना। इसको बहुत अच्छे तरीके से आप समझ लें, फांसी के सेंस में यदि आपको यूज़ करना है तो उसको हम बोलेंगे हैंग्ड और हैंग्ड, यदि टांगने के सेंस में आपको यूज़ करना है तो उसको हम बोलेंगे हंग और हंग। ये है फर्स्ट फॉर्म, ये है सेकेंड फॉर्म, ये है थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये है फर्स्ट फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म और ये है थर्ड फॉर्म। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, द गर्ल पुट ए नूज अराउंड हर नेक एंड हंग हर सेल्फ इन शीयर डेस्पिरेशन। मतलब एक लड़की ने अपने आसपास नूज अराउंड हर नेक, अपने अपने अपनी गर्दन के आसपास एक फंदा लगा लिया, और शीयर डेस्पिरेशन में, बहुत ज़्यादा बेचैनी में, अपने आप को फांसी पर उसने टांग लिया। तो यहाँ पर हम हैंग्ड का प्रयोग करेंगे, हंग का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हंग का प्रयोग होता है कपड़े टांगना। अब देखिए ये सेंटेंस देखिए, द कैप्टन हैज़ बीन सैडेंट अदर टीम मेंबर्स रिफ्यूज टू कमेंट। अब देखिए यहाँ पर सैडेंट से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब को लगाया हैज़ बीन, और यहाँ पर चूंकि रिफ्यूज्ड आया है, रिफ्यूज से पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नहीं है, यानी यहाँ पर ये माना गया है कि हैज़ बीन जो है इसको एक कॉमन फैक्टर की तरह लिया गया है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर की तरह सैडेंट से पहले तो ये आ सकता है हैज़ बीन, लेकिन यहाँ पर रिफ्यूज से पहले नहीं आ सकता, ठीक है। अब इसके दो रीज़न है, देखिए ये वाला जो सेंटेंस है, द कैप्टन हैज़ बीन सैडेंट, कैप्टन को सैडेंट किया गया है किसी व्यक्ति के द्वारा, यानी ये पैसिव वॉइस है आपका, ये पैसिव वॉइस है, और ये आपका अदर टीम मेंबर्स रिफ्यूज टू कमेंट, ये एक्टिव वॉइस है। तो यहाँ पर एक अलग वर्ब चाहिए, यहाँ पर आपको एक एक्टिव वॉइस की वर्ब चाहिए, और यहाँ पर आपको एक पैसिव वॉइस की वर्ब चाहिए। हैज़ बीन पैसिव वॉइस में तो आ सकता है, लेकिन हैज़ बीन एक्टिव वॉइस में नहीं आ सकता। इसके अलावा चूंकि यहाँ पर टीम मेंबर्स हैं जो कि प्लूरल है, तो इसलिए हैज़ बीन तो वैसे भी यहाँ पर नहीं आ सकता, यहाँ पर हैव से रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब आएगी। लेकिन चूंकि ये एक्टिव वॉइस है, चूंकि ये एक्टिव वॉइस है, इसलिए इसमें हम हैज़ बीन या हैव बीन नहीं लगा सकते, इसमें हम केवल और केवल हैव ही लगा सकते हैं। तो इसलिए जो सही सेंटेंस होगा वो होगा, द कैप्टन हैज़ बीन सैडेंट अदर टीम मेंबर्स हैव रिफ्यूज टू कमेंट। ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, मुझे उम्मीद है कि ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने किया है ये आपको समझ में आया होगा।
नहीं आया है तो मुझसे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं, और यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, इसको आप आराम से पढ़ें और ठंडे दिमाग से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। ये बहुत ही अच्छा एक सेंटेंस है। और यहाँ पर हम एक सेंटेंस देखते हैं, आई डाउट दैट ही विल नॉट टर्न अप, मुझे डाउट है कि वह अपीयर नहीं होगा, वह आएगा नहीं। टर्न अप का मतलब होता है किसी जगह पर पहुंच जाना। तो चूंकि डाउट का मतलब क्या है, डाउट का मतलब होता है अनसर्टेन, किसी चीज में आप अनसर्टेन है, मतलब उसमें नॉट पहले ही लगा हुआ है, तो डाउट एक नेगेटिव वर्ड है और यहाँ पर हमने नॉट का प्रयोग भी किया है, तो इसलिए ये जो सेंटेंस है ये डबल नेगेटिव सेंटेंस है, और डबल नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो गलत माने जाते हैं। तो सही होगा आई डाउट दैट ही विल टर्न अप, ये सेंटेंस जो है ये आपका सही सेंटेंस है। कुछ वर्ब हम और देखते हैं, कुछ सेंटेंसेस हम और देखते हैं, ही नेवर हैज़ एंड नेवर विल टेक एक्शन, ये भी कॉमन फैक्टर वाला सेंटेंस है। अब देखिए नेवर जो है ये एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है, तो इसलिए इसको हमने सब्जेक्ट के बाद लगाया है। एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी जो होते हैं वो सब्जेक्ट के बाद हम इनको लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद और हेल्पिंग वर्ब से पहले, तो नेवर की पोजिशन तो यहाँ पर सही है। लेकिन इसमें देखिए एक ही बार वर्ब को हमने यूज़ किया है, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। तो चूंकि अलग अलग वर्ब आ रही हैं, अलग अलग हेल्पिंग वर्ब के बाद अलग अलग मेन वर्ब आपको प्रयोग करना है, तो इसलिए टेक को आप कॉमन नहीं ले सकते। टेक को आप कॉमन तब ले पाएंगे जब दोनों ही हेल्पिंग वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो, लेकिन यहाँ पर हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आएगा और विल के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो इसलिए टेक को आप कॉमन नहीं ले सकते। यहाँ पर हैज़ के बाद आपको लगाना पड़ेगा टेकन, ही नेवर हैज़ टेकन एंड नेवर विल टेक एक्शन, इस तरीके से ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, ही नेवर हैज़ टेकन एंड नेवर विल टेक। नेवर की जो पोजीशन है इसमें ये सही है, यहाँ पर भी देखिए नेवर को हमने हेल्पिंग वर्ब से पहले रखा है, यहाँ पर भी नेवर को हमने हेल्पिंग वर्ब से पहले रखा है, चूँकि ये एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है तो इसलिए इसकी पोजीशन जो है ये सही है, ठीक है। 9 सेंटेंस हो गए, अब 10वां सेंटेंस देखते हैं, द हैन ले एग्स यस्टरडे, चूंकि यस्टरडे है, मुर्गी ने अंडा दिया कल दिया, तो इसलिए ले का जो सेकेंड फॉर्म होगा वो इसमें आएगा, फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, चूंकि कल की बात हो रही है इसलिए इसमें पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, द हैन लेड एग्स यस्टरडे, इस तरीके से सही होगा। देखिए लाई, कितने सारे यहाँ पर मैंने मीनिंग दिए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाई का अर्थ होता है लेटना, इसका अर्थ होता है सेकेंड फॉर्म, इसका है ले, थर्ड फॉर्म है लेन और आईएनजी फॉर्म है लाइंग। लाई का अर्थ होता है झूठ बोलना, सेकेंड फॉर्म है लाइड, थर्ड फॉर्म है लाइड और लाइंग। ले का अर्थ होता है आधारशिला रखना, फर्स्ट फॉर्म है ले, यानी इन फॉर्म्स में एस आप लगा सकते हैं, ये सारी फॉर्म्स जो हैं, ठीक है, ले लेड और लेड और लेइंग, आधारशिला रखना, और एक होता है ले माने अंडे देना। तो ले का जो कॉन्सेप्ट है इसमें चार मीनिंग आपको ये समझने पड़ेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि इसके बेस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस बैंकिंग और एसएससी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये था नॉन फाइनाइट वर्ब का इन्फिनेटिव पार्ट, जेरेंड और पार्टिसिपल हम नेक्स्ट वीडियो क्लासेस में पढ़ेंगे। यदि आपको कोई फीडबैक देना है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो मुझसे इस ईमेल आईडी के थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यदि आपको कोई एग्जाम्पल सेंटेंस या कोई कॉन्सेप्ट या कोई एक्सप्लेनेशन गलत लगा है तो उसका फीडबैक इस ईमेल आईडी पर आप मुझे दे सकते हैं, और आप मुझसे हमेशा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल एंड व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में, थैंक यू।